بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور کی دعا اللهم كل وليك حجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بواسطه بلند صلوات پڑھے محمد وعلى پروردگار عالم اس ماہ میں ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد کی وجہ سے یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے جس سائے کریمہ کو سرنام کلام بنایا آیت تو بہت چھوٹی ہے لیکن پیغام بہت بڑا لے کر آئی ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں ایک کتاب دوسرا نور یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ نور ہے اس سے مراد یہی کتاب ہے یہی قرآن ہے لیکن اکثر مفسروں نے لکھا کیونکہ نور اور کتاب کے درمیان اللہ نے واو کا لفظ استعمال کیا اور واو کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو اور کی معنی میں آتا ہے یعنی ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور
और किताब भेजी तो पता चला नूर और है किताब और है। अब नूर को समझाने के लिए आप सब की आँखें मुझे देख रही हैं, मेरी आँखें आपको देख रही हैं। तो अगर आँखें बंद हों तो न मैं आपको नज़र आऊँ और मैं बंद करूँ तो आप मुझे नज़र ना आए। तो पता चला देखने के लिए आँखों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आँखें ना हों तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन एक और चीज़ भी है, अगर वो ना हो तो आँखों के बावजूद आप मुझे नहीं देख सकते। वो कौन सी चीज़ है? वो है नूर, वो है रोशनी, वो है लाइट। अब फ़र्क नहीं पड़ता सूरज की है, चांद की है, बल्ब की है, इसका होना ज़रूरी है। फरमाया जिस तरह आँखों के होते हुए अगर रोशनी न हो तुम एक दूसरे को नहीं देख सकते, बिल्कुल इसी तरह कुरान के होते हुए अगर नूर न हो तो कुरान की हकीकत को नहीं पढ़ सकते। इंसान मोहताज है इस नूर का। और फरमाया पहले नूर को भेजा, बाद में किताब को भेजा। जब रोशनी होगी तो इस किताब को पढ़ पाओगे, जब रोशनी होगी तो कायनात को देख पाओगे। तो ज़ाहिरी नूर इतना बाकमाल है, अगर न हो तो एसी नहीं चलती, अगर न हो तो पंखा नहीं चलता, अगर न हो तो ये माइक काम नहीं करते। जब ज़ाहिरी नूर हमारी ज़िंदगियों में आता है तो घरों में रोशनी आ जाती है। अब तसव्वुर करो जिस ज़िंदगी में बातिनी नूर आ जाए, नूर मुस्तफ़ा आ जाए। तो मेरे मौला फरमाते हैं जिसकी ज़िंदगी में हमारा नूर आ जाता है, हमारी मारिफत का नूर आ जाता है, उस ज़िंदगी से गुमराही ख़त्म हो जाती है, हिदायत आ जाती है, निजासत मिट जाती है, तहारत आ जाती है, जलालत मिट जाती है और हिदायत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो फरमाया ज़ाहिरी नूर भी बाकमाल है, बातिनी नूर भी बाकमाल है। जब तक ये नूर नहीं होगा तब तक तू कुरान की हकीकत को नहीं समझ सकता। अब सवाल ये, मौला जब नूर था तो मुसलमान कुरान को पढ़ रहे थे, मुस्तफ़ा तफसीर कर रहे थे, कुरान के हकायक को बयान कर रहे थे, लेकिन जब रसूल खुदा दुनिया से चले गए तो अब मुसलमान क्या करें? किसी नूर का होना तो ज़रूरी है। यानी जब तक कुरान है, खुदा ने कहा जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन, दो चीज़ें मैंने भेजी हैं, नूर भी भेजा है, किताब भी भेजी है। अब मुस्तफ़ा जब कायनात से गए, किताब तो रह गई, नूर का क्या होगा? कोई रोशनी तो होनी चाहिए। तो जवाब किसी के पास नहीं, सिर्फ मकतब अहलुबैत के पास है कि मुस्तफ़ा फरमा के गए कि अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, बलकुल्लोना मोहम्मद। कभी घबराना नहीं कि पहला मोहम्मद चला गया, मैं तुझे 12 मोहम्मद देकर जा रहा हूँ। तो खुश नसीब हैं वो जिन जो अहले बैत के दर के मानने वाले हैं, क्योंकि आप 12 नूरों के मानने वाले हैं। जब तक ये नूर है कायनात चल रही है, जब तक ये नूर है हिदायत का सरचश्मा भी है, जब तक ये नूर है इल्म का सरचश्मा भी है। तभी फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अगर मैं उस नूर का मंबा हूँ तो इसका दरवाज़ा अली इब्न अबी तालिब है। अगर मैं चला गया फिर भी घबराना नहीं, दरवाज़ा अली है। अगर अली चले गए तो घबराना नहीं, दरवाज़ा हसन है। अगर हसन चले गए तो घबराना नहीं, दरवाज़ा हुसैन इब्न अली है। वाहिद मकतब है जिसका दरवाज़ा आज तक बंद नहीं हुआ। आज तक ये इल्म का दरवाज़ा, और उस दरवाजे की छोटी सी झलक है ये मजलिस कि हुसैन कायनात से चले गए लेकिन फर्श अज़ा बिछा कर चले गए। आपकी नस्लें मजलिस अज़ा में आती हैं। ये मजलिस मजलिस नूर है। और दलील यह है कि हर मुसलमान कहता है इल्म नूरुन, इल्म नूर है। जहां जहां से इल्म मिले वहां से समझो नूर मिल रहा है। ये नूर किस चीज को रोशन करता है? आप मजलिस सुन के जाते हैं, चेहरा नूरानी नहीं होता,
आप मजलिस सुन के जाते हैं, आंखें नूरानी नहीं होती, मौला फिर ये कैसा नूर है, ये किस जगह को नूरानी कर रहा है? फरमाए उस जगह को नूरानी कर रहा है जिसको सिर्फ मलाइक देख सकते हैं। मौला वो कौन सी जगह है? फरमाए तुम्हारे दिल को नूरानी कर रहा है। मजलिसें इल्म इंसान के दिल को नूरानी करता है। लेकिन सवाल यह है, जब उन लोगों ने इस नूर का दरवाज़ा छोड़ा, उसकी वजह क्या थी? जब करबला में जाते हैं, सब लोग अहले बैत को जानते थे, उनकी अजमत को, उनकी करामत को, उनके तमाम तरफ़ाल को, कहते थे सबसे बड़े सखी ये हैं, कहते थे सबसे बड़े शुजा ये हैं, कहते थे ये करीम भी हैं, ये आबिद भी हैं, ये ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, ये बाकरुल उलूम भी हैं, लौला सनतान लहलक नौमान की बातें भी आईं, अगर इनके दर पर न जाते हम हलाक हो जाते। फिर वजह क्या है? इन्हीं के दर को छोड़ा, इन्हीं से दुश्मनी की, इन्हीं से दूरी इख्तियार की। मासूम फरमाते हैं इसलिए छोड़ा क्योंकि इनके वजूद में अक्ल नहीं थी। अगर अक्ल होती ये कभी दरे अहले बैत को न छेड़ते। तो फरमाया कयामत के दिन कुछ ऐसे लोगों को लाया जाएगा और खुदा कहेगा इनको जहन्नुम के हवाले कर दो। कहेंगे परवरदिगार हम तो नमाज भी पढ़ते थे, हम तो रोज़ा भी रखते थे, हम तो इबादत भी करते थे, फिर हमें जहन्नुम में क्यों डाला जा रहा है? अल्लाह की आवाज़ आएगी कि तुमने मेरे नबी को कत्ल किया है। ये ताज्जुब में कहेगा खुदा मैं तो 1970 में पैदा हुआ, उस वक्त तो तेरा कोई नबी नहीं था, मैं तो 60 और 88 में पैदा हुआ, उस वक्त तो कोई नबी नहीं था। अरे खुदा मैंने कौन से नबी को कत्ल किया? अरे मैं तो उसका कलमा पढ़ते पढ़ते थक गया, मैं तो रोजे रख के थक गया, मैं तो नमाजें पढ़ पढ़ के थक गया। अल्लाह की आवाज आएगी मैंने दो नबी तुझे दिए थे, एक नबी एक्सटर्नल था, एक नबी इंटरनल था। एक्सटर्नल नबी का नाम था मोहम्मद, इंटरनल नबी का नाम था अक्ल। तुमने अपनी अक्ल को कत्ल किया। फरमाया वो कातिल अक्ल है जो हक को छोड़े और बातिल के पीछे जाए। वो जमाना गया कि आप हदीसें पढ़ें, रिवायतें पढ़ें और किसी को शिया बनाएं। बेहतरीन तरीका किसी को अहले बैत के दर पे लाने का है अक्ल। और ताज्जुब से कहना पड़ता है जो दरे अक्ल के मानने वाले हैं अगर उन्हीं में बेअक्ली आ जाए। मसला क्या है? मसला यह है कि मासूम फरमाते हैं अपने अकीदों की बुनियाद अक्ल बनाओ। हमने अकीदों की बुनियाद नकल बनाई। छोटा सा बच्चा है 4 साल का, मजलिस में लाए मोमिन ने नारा मारा, नारा हैदरी। बच्चा सीख गया कल मुझे भी मारना है। इसने नकल से नारा मारा, अक्ल से नहीं मारा। ये जवान हो गया नारा मारता रहा, ये नकल वाला नारा है, अक्ल वाला नहीं है। अक्ल वाला वो नारा है जो मैदान उहद में नबी ने मारा था। जो यकीन करके मदद मांगे वो अक्ल का नारा है। क्या है कि आज का ही मुसलमान है ना, कलमा पढ़ता है लेकिन बदफेली भी करता है। एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, डांसर है, मुख्तलिफ कामों में है। रमज़ान में दुपट्टा, रमज़ान ख़त्म हुआ दुपट्टा गया। इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह रहा है, लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह नकल वाला है, अक्ल वाला नहीं है। क्योंकि अक्ल कभी नहीं कहती कि खुदा सिर्फ रमज़ान में होता है। खुदा तो पूरा साल है। अक्ल कभी नहीं कहती कि हुसैन सिर्फ मजलिस में होते हैं। अक्ल कहती वो हर जगह है। तो वसल्लिमू तस्लीमा का मतलब मुसलमान ने समझा नहीं। इसने सिर्फ नकलन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। इसने अली को मजलिस से लिया, बचपन से सुनता हुआ। ये झगड़े होते क्यों? जब मुज्तहिद फतवा देता है फला काम न करो, मोमिन लड़ पड़ता है, बचपन से कर रहा हूं। अचानक कह रहे छोड़ दो, बचपन से कर रहा हूं, ये मेरे वजूद का हिस्सा बन चुका है। भाई दीन अक्ल पे चलता है, दीन नकल पे नहीं चलता। अगर खुदा नकल की बात को मानता तो उन बुतपरस्तों का क्या कसूर था जो बचपन से बुतपरस्ती में थे? तभी मासूम फरमाते जब कयामत के दिन खुदा लाएगा किसी मुसलमान को और कहेगा बता तुमने मुझे सजदा किया तो क्यों किया? अगर जवाब ये मिला खुदा तुम्हें इसलिए सजदा किया क्योंकि मेरे माँ बाप करते थे, मेरे आबाओ अजदाद करते थे, फौरन खुदा बुतपरस को लाएगा, बता तूने बुत को सजदा क्यों किया? वो भी कहेगा मेरे माँ बाप करते थे, मेरी सोसाइटी करती थी, मेरा मुआशरा करते था। खुदा भी इससे कहेगा तू बता करूँ तो क्या करूँ? जवाब दोनों का एक है। अगर इसे जजा दूं तो तुझे भी देनी है, अगर तुझे सजा दूं तो इसे भी देनी है, क्योंकि दोनों ने नकल से माना है, किसी ने अकल से नहीं माना। वाह 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 वाह।
یہی تو معیار ہے کہ علی کو ہم نے اگر امام مانا تو عقل سے مانا، اگر نقل سے ماننا تھا تو پہلے خلیفے کو مانتے، دوسرے کو مانتے، تیسرے کو مانتے، کیونکہ وہ قبائل کی رسم پہ بنے تھے۔ لیکن ہماری عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ ہم کسی جاہل کی جگہ پہ۔ عقل کیا کہتی ہے؟ میں نوجوانوں کو ایک جملہ کہتا ہوں، میں تو اگر کوئی کہے کہ علی کی امامت کو چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم علی کو آج کے بعد امام نہیں مانیں گے۔ لیکن جو یہ کہہ رہا ہے اسے ایک سوال کرو کہ علی کو امامت سے ہم ہٹا دینے کے لیے تیار ہیں، آج کے بعد جسے کہو گے امام مانیں گے، لیکن کسی ایسے کو امام بنا جو کم از کم علی سے بہتر ہو۔ واللہ میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، بہتر امام لا ہی نہیں سکتے۔ ہر مسلمان مانتا ہے کہ میدان جنگ میں کوئی نہ بھاگا تو علی ہے، کوئی جو علی سے زیادہ شجاع ہو، کوئی ایسا امام لاؤ جو میدان سے نہ بھاگتا ہوا نظر آئے، کوئی ایسا امام لاؤ جو موت کے بستر پہ سوتا ہوا نظر آئے، ایسے کو ہم امام کیسے مانیں جو غار میں روتا ہوا نظر آئے، ایسا امام لاؤ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے، ایسے کو امام کیسے مانے جو بیٹی سے مسئلے پوچھتا ہوا نظر آئے۔ بھائی یہ عقلانی باتیں میں حدیث میں نہیں جا رہا، میں روایت میں نہیں جا رہا، یہ تاریخ کے قصے ہیں، تمام تر مسلمان مانتے۔ فاتح خیبر کون؟ فاتح خندق کون؟ خود کہتے ہیں علی اگر تم نہ ہوتے تو ہم کرتے تو کیا کرتے۔ اور میں نے تعجب سے کہا، میں نے کہا 39 دن مسلمان لڑتا رہا، ایک دن علی آئے جنگ کی۔ اب کیونکہ اس بحث میں گیا تو پوری مجلس میری نکل جائے گی، اس میں کل آؤں گا لیکن اشارہ کروں، ایک دن علی آئے۔ جب میرے آقا آیا ہوں تو چلو پڑھی لوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بھی عقلانی سوال ہے، صرف عقل کی جنگ لڑی ہے۔ جب تک آپ اپنی عقلوں کو مضبوط نہیں کرتے تب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، اور جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا تب تک انسان کا عمل مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بے نماز ہے، بے روزہ ہے، بدکار ہے، گنہگار ہے، مسلمان ہے، لیکن اگر یہ افعال اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں خدا کو نہیں مان رہا، اس نے اللہ کو نقل سے مانا ہے پر تسلیم نہیں کیا۔ اگر تسلیم کرتا تو پروردگار عالم کو مان لیتا۔ تفصیل میں کل جاؤں گا۔ ایک اور سوال اٹھتا ہے، مولانا یہ بتائیے علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ یہ سوال ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانا تھا تو پھر نماز کیسے پڑھی، اور اگر نماز پڑھی تھی تو نماز کے لیے شرط ہے کہ عادل ہو، پڑھی تھی تو عادل تھے، سوال ہے نا۔ تو میں نے کہا عدالت کی شرط سے پہلے ایک اور شرط ہے، نماز کس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ ہاں عادل تو میں نے بتایا نا، آپ بھی کچھ بتائیے نا۔ مرد کے پیچھے ہے، کیا کہنے واہ ماشاءاللہ، کس کے پیچھے ہوتی ہے؟ مرد کے پیچھے۔ میں نے کہا 40 دن کی جنگ دیکھ لو، مرد کون تھا؟ اگر مرد تھے تو علی نے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، اگر نہ تھے تو علی نے، کیونکہ شرط ہے، صحیح بخاری لکھتا ہے غدن لاتین رایتن رجلن، نبی نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا۔ اب قرآن کھول کے دیکھیں خدا نے کس کس کو رجل کہا، صفات اللہ نے خود، میڈیکلی رجل اور ہے، نبی کی نگاہ میں رجل اور ہے۔ کہا کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا۔ صحیح مسلم نے لکھا کرارن غیر فرارن، پھر صفت بھی بتائی، ایسا مرد جو کرار ہو، ایسا مرد جو فرار نہ ہو، بھاگنے والا نہ ہو۔ تو پتا چلا اس میدان میں ایک ہی مرد تھا جس کا نام علی تھا۔ تو مرد، تو مرد کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، مرد عورت صفتوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک دن مولا لڑے اور جنگ فتح ہوئی، فتح کرنے کے بعد نبی نے حصے تقسیم کیے، سب کو ایک حصہ۔ علی کو دو حصے ملے، ایک حصہ علی کو کتنے؟ دو حصے ملے۔ بھائی 39 دن جنگ لڑنے والے فوجی نے اعتراض نہیں کیا کہ میں 39 دن ڈیوٹی پہ تھا، یہ ایک دن آیا۔
इसे दो हिस्से दे दिए और हमें एक हिस्सा मिला। इनकी खामोशी बताती है, इनको पता था औरत का एक हिस्सा होता है, मर्द के दो हिस्से होते हैं। तारीख इस्लाम बोल रही है, अगर इंसान अक्ल के मैदान से दाखिल हो जाए तो अक्ल बहती है कि कातिल को कातिल कहो, मकतूल को मकतूल कहो, जालिम को जालिम कहो, मजलूम को मजलूम। बहुत आसान है वल्लाह, बहुत आसान है। आप चंद चीज़ें ले लें और इनकी अक्लों को झिझोड़ सकते हैं आप। हमारे एक मौलाना एक इबारत सुना रहे थे, अजीब रिवायत है कि अपनी किताबों में लिखते हैं कि माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जंग की और माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने उदय रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया, और रज़ी अल्लाह अन्हु को जब कत्ल किया तो जिसकी मोहब्बत में कत्ल किया वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे, चारों रज़ी अल्लाह अन्हु। अब बिठाइए किसी मुसलमान को, भाई ये क्या माजरा है कि कातिल भी रज़ी अल्लाह अन्हु, मकतूल भी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसको मारा वो भी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसकी मोहब्बत में मारा वो भी रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर तो आम मुसलमान कहेगा मैं नमाज क्यों पढ़ूं, मैं रोज़ा क्यों रखूं, मैं सब कुछ क्यों करूं, जब उनके इतने बड़े गुनाहों को खुदा बख्श सकता है तो मेरे छोटे छोटे गुनाहों को क्या करेगा। तभी हमने अदालत इलाही को बीच में लाया, वो आदिल रब है। ये तो जालिम हो सकते हैं, वो जुल्म नहीं कर सकता, उसके यहाँ इंसाफ है। फिर जन्नत और जहन्नुम का मेयार क्या बनेगा, फिर जजा और सजा के कानून का क्या होगा कि जो मारे उसे भी जन्नत में भेज दो, जो मर जाए उसे भी जन्नत में भेज दो। और इसी सिलसिले को रोकने के लिए हुसैन ने क़याम किया, कहीं ये ना हो कि कल कह दें कि यजीद भी रज़ी अल्लाह अन्हु था। और इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इन कोशिशों को मिटाने वाली सैयदा ज़ैनब थी। अगर बीबी का वजूद न होता आज यजीद को भी रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे होते और बताया जो नबी के नवासे को कत्ल करे वो रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं होता, जो नबी के सहाबी को कत्ल करे वो रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं होता। तारीख सियाह धब्बों से भरी हुई है, अगर मुसलमान पढ़े, इन्हीं को यही डर है अगर ये तारीख में जाएंगे तो सवाल उठाएंगे। और ऐसी ऐसी इस्तलाहात को खल्क किया कि जिनको अक्ल नहीं मानती, जिस तरह आवाज़ आई ये कौन सी खता थी, खता इश्तहादी थी। शिया अगर मातम करे तो बिदअत, शिया अगर आजादारी करे तो बिदअत, शिया अगर गिरिया करे तो बिदअत। लेकिन हमने कहा फला सहाबी ने अजान में फला जुमले का इजाफा कर दिया, फला सहाबी ने ये इबादत में इजाफा किया, कहा की तो बिदअत है लेकिन बिदअत हसना है, अच्छी बिदअत है। अक्ल तो देखिए जब बचाने पर आए तो इंसान कितना गिर जाता है, लेकिन अक्ल कहती है बिदअत बिदअत होती है। यानी मैं ऐसे कहूं गुनाह तो किया है लेकिन अच्छा गुनाह किया है, झूठ तो बोला है लेकिन अच्छा झूठ बोला है, ये कौन बताएगा। अगर कोई बेवकूफ़ हो तो इनकी बातों में बहला जा सकता है, या जिसकी अकल नकल वाली हो, बाप को देखकर अपने दीन को चले फिरे, माँ को देखकर अपने दीन को कंटिन्यू रखे, कबीले को देखकर, सोसाइटी को देखकर अपने दीन को कंटिन्यू रखे। लेकिन नबी फरमाते नहीं नहीं, अल्लाह की आवाज़ आती है, इन बुत परस्तों का दीन इसलिए काबिल कबूल नहीं था क्योंकि ये आबाओ अजदाद के दीन पर थे। जब वो रब कहता है कि ला इकराह फिद दीन, मेरे दीन में ना जबर है, मेरे दीन में ना जबरदस्ती है, फरमाते अगर मैं खुदा तुम्हारी समझ में आता हूं तो फिर मुझे सजदा करना, अगर मैं तुम्हारी अकल में आता हूं तो फिर मुझे सजदा करना, अगर मुझसे बेहतर रब मिल जाए जाकर उसे सजदा करना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन कयामत में बस एक सवाल करूंगा, जिसे तूने सजदा किया था क्या वो मुझसे बेहतर था, क्या वो मुझसे आला था। तो इंसान जवाब नहीं दे सकेगा, वहां पे जो फैसला करेगा खुदा अक्ल से करवाएगा। जिंदगी में जो तू काम कर रहा था वो काम बता अकलन सही था कि नहीं, जिंदगी में जो तू काम कर रहा था अकल कहती है कि बका का साथ देना, फना का साथ ना देना। इंसान जब फना के पीछे जाता है, फरमा जिंदगी यजीद को भी मिली, जिंदगी आका हुसैन इब्ने अली को भी मिली। यजीद ने जिंदगी को ले लिया दुनिया की, हुसैन ने दुनिया की जिंदगी को कुर्बान किया, आखिरत की जिंदगी को दिया। और मौला फरमा जब मैंने बका का साथ दिया तो आज देख लेना हुसैन बाकी है, यजीद फना में बदल गया। यही जुमले मेरे आकाजादी ज़ैनब के, यजीद तू आज को देख रहा है,
आज फना होने वाली चीज का नाम है। तभी खुदा वल असर इंसान लफी खुसर का कसम खाता है, मुझे वक्त की कसम है, वक्त को फना है, वक्त खत्म होता है। आज आरिफ काजमी इस मिंबर पर है, अल्लाह जाने 10 साल जिंदा भी हो के नहीं, आप में से कोई हो के नहीं, 100 साल के बाद इमाम बारगा तो बाकी रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे बाकी नहीं रहेंगे। खतीब बदलते रहेंगे, सुनने वाले बदलते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि दुनिया को फना है, दुनिया नाम ही खत्म होने वाली चीज का है, और बका है तो आफ्टर द डेथ, मरने के बाद की जिंदगी को बका है, जहां पे रूह बाकी रहती है। तो यजीद ने फना को लिया, हुसैन ने बका को लिया, और यही जुमले मेरी आकाजादी ज़ैनब ने दरबार यजीद में कहा, कहे दरबार यजीद, ऐ अपने लश्कर पर नाज करने वाले, ऐ अपने तख्त पर नाज करने वाले, एक दिन आएगा न तेरा लश्कर रहेगा न तेरा तख्त रहेगा, पर देखना शहर तेरा होगा, पहचान अली की बेटी के नाम से जाएगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहुम्मा सल्ले जिल फर्ज। तो दीन को अगर अक्ल से समझा जाए तो इंसान का अकीदा मजबूत होता है। इंशाअल्लाह इन दिनों में जो चीज़ मौजू है गुफ्तगू रहेगी वो अकीदा, अमल, अक्ल और इल्म। अगर अकीदे को मजबूत करना है तो अक्ल को मजबूत करना होगा, अगर अक्ल को मजबूत करना है तो इल्म का सहारा लेना पड़ेगा, अगर इल्म को मजबूत करना है तो इंसान के वजूद में अमल का होना भी बहुत ज़रूरी है। आज कहते हैं मौलाना फला जवान नमाज नहीं पढ़ता, फला रोज़ा नहीं रखता, फला वाजिबात पे अमल नहीं करता, फला खुम्स नहीं देता। इसको समझाइए, दुआ पढ़ के दीजिए, बच्चा ठीक हो जाए। ये दीन ऐसा नहीं है कि मैंने एक दुआ पढ़ के दी और फूंक मार दी, कल वो नमाजी बन गया। ऐसा होता तो खुदा ही फूंक मार देता, सारे नमाजी बन जाते। यहाँ फूंक से नहीं, यहाँ अक्ल से नमाजी बनना है। जब अक्ल मजबूत करोगे तो अकीदा मजबूत होगा। अल्लाह को अक्ल से मानो। एक जुमला मैंने कहा था, तस्लीम जब तक उसे तस्लीम नहीं करोगे, मान तो सब रहे हैं, तस्लीम नहीं किया किसी ने। मौला अली को सब मान रहे हैं, तस्लीम नहीं किया। तस्लीम का मतलब क्या है? आपके शहर में 2-3 डॉक्टर हैं और आप बीमार पड़ गए। आपने पूछा मौलाना किस डॉक्टर के पास जाऊं, तो किसी ने कहा फलां डॉक्टर के पास चले जाओ, अच्छा है। फिर किसी रिश्तेदार ने कहा भाई नहीं जाना, कल उसने अम्मा को दवाई दी थी और कब की बिस्तर पे लेटी हुई हैं। तो आपके यकीन में कमज़ोरी पैदा हुई, तस्लीम नहीं है। डॉक्टर तो माना है लेकिन उसे अभी डॉक्टर तस्लीम नहीं किया, कभी दवाई सही नहीं देता, नुस्खा सही नहीं देता। फिर किसी ने कहा फलां डॉक्टर के पास चले जाओ, आपने तहकीक की, सबने कहा इसकी नुस्खे में बड़ी शफा है, ये जो लिखता है अच्छा लिखता है, कई मरीजों को इसने शफा दी। अब आपने उसे डॉक्टर तस्लीम किया, डॉक्टर भी है नुस्खे में शफा भी है। अब जब उसके पास गए उसने जो लिख के दिया, आप तहकीक नहीं करोगे, आप दवाई खाओगे, कहे सुबह 2 गोलियां खाओ, दोपहर 4 खाओ, रात 3 और 4 खाओ, आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि ऐसी तरतीब आपने क्यों बनाई, खाने को तैयार हो जाओगे। मासूम फरमाते हैं अगर रब को अपना डॉक्टर तस्लीम किया है तो उसकी बात पे अमल क्यों नहीं करता? तस्लीम नहीं किया तो अमल नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर कह दे सुबह 2 रकअत नमाज पढ़नी है, अगर उसे तस्लीम किया है और वो कहता है कि पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, पढ़ोगे तो नूर मिलेगा, पढ़ोगे तो बका मिलेगी, अब वो अमल नहीं करेगा जिसने खुदा को रब तस्लीम नहीं किया। तस्लीम यानी पहले मान लो कि वो है। क्या मौलाना फला मुश्तहिदीन की, मैंने कहा जब मुश्तहिदीन को तस्लीम ही नहीं किया तो ये बात कहां मानेगा? आप यहां फतवा करते हैं, उसने मुश्तहिद को ही नहीं माना। पहले अकली तौर पर इसको तस्लीम करवाओ, जब ये तस्लीम कर लेगा फिर इताअत में आएगा। जब बंदगान खुदा ने खुदा को ही तस्लीम नहीं किया, कहते मौलाना मुअज्जिन अजान दे रहा है, मैंने कहा मुअज्जिन पैगाम आवर है, ये जो आवाज आती है हय्या अलस्सला, ये कौन कहता है? ये खुदा कहता है। कौन बुला रहा है? मुअज्जिन नहीं बुला रहा, खुदा बुला रहा है, आओ नमाज के पास, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी के पास, हय्या अला खैरिल अमल, एक ऐसे अमल के करीब आओ जो हर अमल से खैर है, बेहतर है। अब कुछ भी हो, मासूम का फरमान है खैरिल अमल है, वहां पे बाप हो, वहां पे माँ हो, वहां पे कुछ भी हो, ये अमल हर अमल से खैर है। तो मोमिन ये बातें समझता नहीं है कि मुझे बुलाने वाला कौन है। ये कुरान जो पढ़ते हो ये खुदा तुमसे बात कर रहा है, ये फरामीन अली इब्न अबी तालिब जो मैं आपसे बयान करता हूँ ये अली के फरमान है, अली आपको बता रहे हैं। तो फरमाए जिसने इमामत को तस्लीम ही नहीं किया,
वो अमल कैसे करेगा? जिसने अल्लाह को तस्लीम ही नहीं किया, वो एक्टर, वो गुनहगार, वो जो अल्लाह की नाफरमानी करता हुआ फिरता है लेकिन जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, तस्लीम नहीं किया। अगर अल्लाह को अल्लाह मान लेता कभी अल्लाह का इनकार ना करता। कूफियों ने खत लिखे थे, हुसैन को इमाम तस्लीम नहीं किया था। अगर किसी ने इमाम तस्लीम किया उसका नाम था हबीब इब्ने मवाहिर। तस्लीम किया, खत पहुंचा, पढ़ा, बीवी ने कहा किसका खत है? अली के बेटे का खत है, हुसैन इब्ने अली का खत है। तो क्या लिखा है? का मदद मांगी है। करबला में आकर खड़े हो गए। तो बीवी ने कहा सोच क्या रहे हो? कहा मैं क्यों जाऊं जब सारा कूफा नहीं जा रहा, मेरा क्या क्या हूं? वहां पे जाऊं, वक्त खलीफे से लड़ूं, जान गवाऊं। बीवी है लेकिन शक है कि बीवी मकाम तस्लीम पर है कि नहीं। तभी कुरान कहता है कि ये औलाद फितना है, बीवी फितना है, खौफ करना, डरना, कहीं ये फितना तुम्हारी आखिरत को तबाह न कर दे। इनके अकीदों को परखना वो तस्लीम, वो इत्तबा है कि नहीं है। तो जब बीवी का इम्तहान लिया तो अपनी जगह से खड़ी हो गई, अपने कंगन उतारे, चूड़ियां उतारी और कहा कि हबीब ये तू पहन ले, अपनी तलवार मुझे दे। नबी का नवासा वहां पे और तू बातें कर रहा है। तो इसने कहा कि ए बंदे खुदा, मैं तुझे आजमा रहा था, हो सकता है कि हुसैन बुलाए और हबीब न जाए। ये आका की मंजिल है, गुलाम को भेजा, सियाह गुलाम है, नाम जोन है। हबीब ने थोड़ी देर की, गुलाम घोड़े से बातें कर रहा है कि अगर मेरा आका ना आया तो मैं तुझ पे चढ़ के चला जाऊंगा, कहीं नबी का बेटा तको तनहा न रह जाए। ये है मकाम तस्लीम, और मकाम तस्लीम पे था। और मकाम तस्लीम तब आता है जब इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है। पूरी रात हुर अपनी अक्ल की जंग में चलता रहा कि हुर क्या चाहिए, दुनिया या आखिरत। हुर को पता था अगर हुसैन के पास जाऊंगा जिस्म खत्म हो जाएगा, हुर को पता था अगर हुसैन के पास जाऊंगा वजूद तबाह हो जाएगा, मर जाऊंगा, बेटा मर जाएगा, भाई मर जाएगा, गुलाम मर जाएगा। लेकिन हुर सोचता रहा और 50 साल जिंदगी गुजार दी, बाकी 30 साल भी गुजार दोगे, लेकिन आखिरत में नबी को जवाब क्या दोगे? फना और बका, यहां पे कितनी भी जिंदगी मिले, 100 साल 150 साल, आखिर तो मरना है, अबदी जिंदगी वो है। हुर का यकीन था उस जिंदगी पर कि कोई ऐसी हयात है, यजीद का यकीन नहीं था उस जिंदगी पर। आज अंग्रेज ईसा को मान रहे हैं लेकिन यकीन नहीं है उस जिंदगी पर। अगर इंसान का यकीन हो तो इंसान कभी घाटे वाला सौदा ना करे। वो कौन सा बिजनेसमैन है जो घाटे का सौदा करे? अकल कहती है हमेशा फायदे का सौदा किया करो। अगर मैं आपको कहूं क़िबला ये 1 लाख आज ले लीजिए या 1 महीना सब्र कीजिए उसके बाद 1 करोड़ दूंगा, अकल क्या कहेगी? 1 महीना सब्र करो, 1 करोड़ लेना। बोला फरमाते शैतान तुझे कैश देता है, अल्लाह 1 महीना बाद वादा देने का करता है। यहां वो तुझे थोड़े पे राजी करता है, खुदा तुझे ज्यादा पे राजी करना चाहता है। वो तुझे थोड़ी सी खुशी देकर राजी करना चाहता है लेकिन खुदा तुझे बड़ी खुशी देकर राजी करना चाहता है। फरमा ए मेरे बंदे, जब इंसान मकाम उबूदियत पे आता है, खुद को गिरा देता है, तो रब की आवाज आती है वसखर लकुम शम्स वल कमर। ए मेरे बंदे, ये चांद तेरे लिए बना दिया, ये सूरज तेरे लिए बना दिया, ये दरिया तेरे लिए बना दिए। लेकिन यही इंसान जब गिर जाता है, असफल साफरीन में मकाम पर आ जाता है, जब यह तकबर और गुरूर के मकाम पे आता है, उस वक्त खुदा से इंसान को कहता है ऐ इंसान, मैंने तुझे नजस कतरे से बनाया, जरा अपनी हकीकत को समझ। जब अपनी हकीकत को भूल जाता है तो खुदा इसको अपनी हकीकत को याद दिलाता है। जब ये अपनी हकीकत को याद करता है तो खुदा कहता है ये जमीन भी तेरे लिए है, ये आसमान भी तेरे लिए है, ये चरंद और परंद भी तेरे लिए है। तो जब इंसान मकाम बंदगी पे आता है तो खुदा उसको ऊपर ले जाता है, लेकिन जब उसके वजूद में गुरूर आता है तो खुदा इसको नीचे लेकर आता है। देखिए इंकिसारी और एजाजी अहले बैत के वजूद में कितनी थी, सज्जाद के वजूद में कितनी थी। तो इंसान अगर अपनी अकल से काम ले और अपनी इबादत को अंजाम दे, अपने अकीदे को बनाए, अल्लाह को मानना है तो अकल के जरिए से, अली इब्न अबी तालिब को मानना है तो अकल के जरिए से, अपनी आजादारी करनी है तो अकल के जरिए से, जिसमें अकल होगी उसमें फना नहीं है, उसमें बका ही बका है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जल फरजहुम।
حسین ابن علی، یہ جنگ جنگ عقل تھی کہ امام فرماتے ہیں جنود جہل اور جنود عقل ہیں، کچھ لشکر عقل کے ہیں کچھ لشکر جہل کے ہیں. اکثر کانسیپٹ یہ ہے کہ جہل علم کے مقابلے میں ہے، لیکن معصوم کی تعبیر یہ نہیں، وہ فرماتے ہیں جہل عقل کے مقابلے میں. وہ جاہل نہیں جسے اے بی سی نہیں آتی، وہ جاہل نہیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے. دنیا والے تو اسے جاہل کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں. ایک ایسا بندہ ہو جسے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، لیکن اہل بیت کی معرفت تو بہت ہے. تو اہل بیت اسے جاہل نہیں کہتے. اور ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے لیکن سگریٹ بھی پی رہا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے یا بے عقل کہیں گے؟ بے عقل کہیں گے. علم تو ہے لیکن عقل نہیں ہے. تو جہل مقابل عقل ہے. تو کربلا وہ جنگ تھی، پڑھے لکھے تھے، قاضی شورے پڑھا لکھا تھا، ابن سعد معمولی نہیں تھا، بہت پڑھا لکھا تھا. تبھی امام نے بارہا کبھی حبیب کو بھیجا، کبھی خود گئے کہ ایسا پڑھا لکھا بندہ جتنا ہو سکے اس کو بچاؤ، لیکن اس کے وجود میں عقل نہیں تھی. اس نے گھاٹے کا سودا کیا. اہل بیت جب درس دیتے تھے سننے والے بہت ہوتے تھے، لیکن ان کی عقلوں پر پردے پڑتے تھے. اب یہ عقل کمزور کیوں ہوتی ہے یہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا. وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کی عقل کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس عقل کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے اگر کوئی سخی ہے اس کی ہر کوئی تعریف کرے، اہل بیت کی تعریف دشمنوں نے بھی کی. اگر کوئی کریم ہے اس کی ہر کوئی تعریف کرے، اہل بیت کی تعریف کریم ہونے کی دشمنوں نے بھی کی. اگر مولا سید العابدین تھے، زین العابدین تھے، سید الساجدین تھے، مروان بھی امام کی تعریف کرتا تھا کہ ایسا عابد میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. لیکن وجہ کیا ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے اہل بیت سے دور ہو جاتے تھے. حقیقت سے آگاہ ہیں کہ کوئی رب ہے، لیکن کائنات رب سے دور ہے، کیونکہ ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے. بارہا قرآن کہتے ہیں افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یفقهون، افلا یشعرون، لہم آذان لا یسمعون. سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے. اب سنیے کتنا پروپیگنڈا کیا گیا، لوگوں کے ذہنوں پر پردے ڈالے گئے. جب اویئرنیس انسان کے وجود میں نہ ہو، جب بیداری انسان کے وجود میں نہ ہو، تو دشمن اس کے وجود کو گھیر لیتا ہے اور اسے دشمن علی ابن ابی طالب بنا دیتا ہے. جب انسان نقل کے پیچھے چلتا رہے کہ باپ دادا کیا کہتا ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے، ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، ڈرامے کیا کہہ رہے ہیں، تبھی اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر خود تحقیق کے لیے باہر نکل جائے تو اسے حسین جیسا امام بھی مل جاتا ہے، اسے علی جیسا آقا بھی مل جاتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں امام زمانہ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے. اگر یہ خود تحقیق کرنے نکلے، خود عمل کرنے نکلے، ہر کسی کے پیچھے نہ لگے، ہر کسی کی باتوں میں نہ آئے، تبھی فرمایا المؤمن کا جبل راسخ، مؤمن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، یا اپنے عقیدوں کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے اب کوئی ایرا غیرا اس کے عقیدوں کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا. امام حسین فرماتے ہیں میدان کربلا ہے، بدن زخموں سے چور چور ہے. اتنے میں فرماتے ہیں دور سے ایک شخص مجھے دیکھ رہا ہے اور بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. سب کے ہاتھوں میں تیر تلوار پتھر تھے لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے. میرے قریب آیا اور قریب آ کر کہا سلام علیک، آپ پر سلام ہو اے شیخ کبیر، اے بوڑھے پیر مرد، آپ پر میرا سلام ہو. اتنا کہنا تھا، امام نے اسے جواب دیا کہ وعلیک السلام، اور تعجب سے پوچھا وہ کربلا کا میدان جہاں پہ ہر کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، کوئی پتھر لے کر آیا، کوئی تیر لے کر آیا، اور تو حسین کو سلام کر رہا ہے؟ کہا اس میں تعجب کی کیسی بات ہے، مسلمان مسلمان کو سلام کرتا ہے؟ تو امام بڑا مظلومیت بھرا جملہ فرماتے ہیں، فرمائے یہ وہ دن ہے عاشورہ کا، یہ وہ دن ہے کہ اس دن کسی نے حسین کو سلام کے قابل بھی نہیں سمجھا، کہ ان میں سے کسی نے مجھے سلام نہیں کیا. تو یہ کہ شخص کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میرا نام حسین ہے. کس کے بیٹے ہیں؟ فرمائے میں نبی کا نواسا. اتنا کہنا تھا اس کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا اور مولا کے قدموں میں گرا. کہا اتنا لشکر آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے؟ کہا ہاں، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے. یہ لاشیں دیکھ رہے ہو، یہ میرے اکبر کا لاشا ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ اون محمد کا لاشا ہے، وہ نہر کے کنارے دو کٹے ہوئے بازو دیکھ رہے ہو، میرے عباس کے بازو ہیں. کہا یہ اور تڑپا، کہنے لگا آقا اب تو اپنی جان آپ پہ نچھاور کر دوں گا،
मैं तो कुछ और सुन के आया था। क्या सुन के आए थे? कहा मैं बहुत दूर दराज सफ़र पे गया था, कूफे वापस आया, घर गया। काका आपको तो पता है जब कोई दूर सफ़र से आता है, घर जाता है, उसके बच्चे पूछते हैं कि बाबा सफ़र से लाए क्या हो। जब मैं पहुंचा कुछ लाया नहीं था, इस परेशानी में था कि दूंगा तो क्या दूंगा। मेरी 4 साल बच्ची थी, वो दरवाजे पर आई और उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं। मैं परेशान था, इतनी दूर से आया हूँ, इसे तो मांगना चाहिए था, और फौरन कहा कि बाबा आप करबला नहीं गए। मैंने कहा कि करबला में क्या है? कहा आपको नहीं पता? कहा नहीं। कहा पूरे शहर में ऐलान हुआ है वक्त के खलीफे के खिलाफ किसी बागी ने खुरूज किया है, तो जो जो जाएगा उसे मारने, उसे इनाम दिया जाएगा, तो आप भी जल्दी जाइए, जब इनाम मिले तो मेरे लिए लाइएगा। कहते मैं तो इनाम के पीछे आया, लेकिन जब यहाँ पहुंचा, आपके चेहरे को देखा, मैंने कहा ये चेहरा बागियों का नहीं है, ये तो आबिदों का चेहरा है। कहा ठीक है, अब जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी के पास चला जा। काका आपको छोड़ के कैसे जाऊं इस हाल में, जबकि पता है नबी के नवाज से है। इमाम ने फरमाया मेरा हुक्म है, तुम्हारा नाम शुहदा में नहीं है, जल्दी चला जा, हुदूद करबला से बाहर निकल जा। काका कैसे छोड़ के जाऊं? का मेरा हुक्म है, क्योंकि अभी मैं हल में नासिरिन की आवाज देने लगा हूँ, अगर तुमने आवाज सुन ली और यहाँ पे रहा और मेरी मदद न की तो वासिले जहन्नम हो जाएगा, लिहाजा जल्दी से निकल जा और हुदूद करबला से बाहर चला जा। इतना कहना था, ये बाहर कहने लगा कि मौला आपका हुक्म है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। जैसे जाने लगा, फिर हुसैन ने कहा जरा करीब तो आ। फिर और इमाम के करीब गया, इमाम ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी, इसके हाथ पे रखी। कहा जब दूर से आया था, तेरी बेटी की ख्वाहिश थी तो उसके लिए अंगूठी लाएगा। ये अंगूठी हुसैन की तरफ से अपनी बेटी को दे देना, और मेरी तरफ से एक जुमला कहना कि हुसैन बागी नहीं था, ये नबी का नवासा था। इस कदर अफकार उमूमी को खराब किया गया था, अहले बैत के खिलाफ उनकी अकलों पे पर्दे डाले गए थे। तो आइए उस आका हुसैन को सलाम करें जिसको यजीदियों ने सलाम के काबिल भी नहीं समझा। फरमाया हर सलाम जब आका को किया करो, ये तसव्वुर करके किया करो कि तू सलाम नहीं कर रहा, सैयदा ज़ैनब सलाम कर रही है, तू सलाम नहीं कर रहा, ये ज़ैनुल आबिदीन के सलाम है, इमाम ज़माना के सलाम है। अगर किसी को सलाम आता भी नहीं, हुसैन का लफ्ज़ तो हर मोमिन को आता है, कम अज़ कम आखिर में हुसैन का आवाज़ बुलंद करके पुकारें ताकि ज़बानें भी पाक व पाकीज़ा हो जाएं। अस्सलाम अला हुसैन वअला अली इब्न हुसैन वअला السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى أصحاب سب ملك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين مرا السلام هو करबला की उस बीबी पे जिसके कानों से खून बह रहा है,
मेरा सलाम हो उन बंधे हुए हाथों पर जिनमें रसिया बदी। ज़ियारत नाहिया पढ़िए, इमाम ज़माना का नोहा है। हर नोहे खान का नोहा सुनते हैं लेकिन इमाम का नोहा मोमिन नहीं सुनता। किस तरह अपने दादा हुसैन का नोहा पढ़ते हैं। फरमाया मेरा सलाम हो उन खुश्क होंठों पे जिन पे ज़ालिम छड़ी मार रहा था। फरमाया मेरा सलाम हो उस शहीद पे जिसकी दाढ़ी हुशमर के हाथों में थी, जिसके सीने पे मलबूस सवार था। फिर फरमाया मेरा सलाम हो उस नन्ही सी बच्ची पे जिसके रुखसारों का रंग बदल गया था। फरमाया ऐ मोमिन तू मेरे दादा के गम में पानी रोता है लेकिन तेरा इमाम ज़माना खून के आंसू रोता है। फरमाया ऐ मोमिन तू 10 दिन रोता है लेकिन खुदा हर रोज मुझे ख्वाजा हुसैन का खून भरा कुर्ता दिखाता है। किसी ने कहा मौला आपके बाबा के गम में रोए तो कैसे रोए। फरमाया अबू बसी ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवाब दिल के लाश कम बोला रोना ना आए तो क्या करे कर कम अस कम रोने जैसी शक्ल बनाया करो क्योंकि अदादार जब तू रोता है तुम सबके सरों के पीछे मेरी दादी जहरा खड़ी हो जाती है और दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती है। आए खुदा ये मेरे हुसैन का आजादार है। इसके गुनाहों को बख्श दो। जरा इमाम जमाना से पूछिए मौला आपको कौन सी मुसीबत सबसे प्यारी है। फरमाया हर वो मजलिस जिसमें ज़ैनब के मसाइब हो, जिसमें मेरी पुप्पी सकीना के मसाइब हो, मैं वहां पे जरूर आता हूँ। आज ऐसी रिवायत पढ़ूं कि आप सबकी दुआ कबूल हो जाए। ये रिवायत में बहुत कम पढ़ता हूँ क्योंकि कमजोर दिल मोमिन बर्दाश्त नहीं करते। चौथे इमाम फरमाते जाकिर पढ़ो ताकि हमारे शियों को पता तो चले हमारे ऊपर कैसी कैसी मुसीबतें आई। सैयदो मुझे माफ करो। इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई। इमाम सज्जाद ने भी वो मकाम याद किया जो ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना ने याद किया। फरमाया जब ज़ालिम होठों पे छड़ी मार रहा था फरमाया ये वो होंठ है जिन पे नबी बोसा देते थे।
अजीब रिवायत है, कमजोर दिल मोमिन मुझे माफ कर दे। कमौला दरबार में ऐसा क्या हुआ? फरमाया मैं कभी नहीं भूलूंगा। फरमाया एक रस्सी में 18 गर्दने थी, कदीमी मोमिनों में इशारा करूंगा समझना आपका काम। जब एक रस्सी में कई लोगों को बांधा जाए, किसी का कद बड़ा होता है, किसी का कद छोटा होता है। फरमाया इतने में यजीद मलबून आया अपने तख्त पे बैठा, इसने शिमर से कहा, शिमर वो बच्ची कहाँ है जो पूरे सफर में बाबा को याद करती थी, जो जिंदा में बाबा बाबा करती थी। मलू ने इशारा किया रस्सी में बंधी हुई नन्ही सी बच्ची की तरह। जैसे इमाम फरमाते इसने सकीना को देखा, सवाल किया है बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना ने सजाद को देखा, क्या मैं इससे कलाम करूं? कहा सकीना इजाजत है जो कहता है इसे जवाब दे। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त है, जैसे इसने कहा बच्ची तेरा नाम क्या है, मेरे हाथ को देखिएगा। फरमाया सकीना के होंठ हिले पर आवाज नहीं निकले। मलू ने दोबारा पूछा, अरे बच्ची तेरा नाम क्या है? फरमाया होंठ हिले पर आवाज नहीं निकले। तीसरी मर्तबा गुस्से में पूछा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, फिर होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। इतने में इमाम सजाद ने फरमाया, आए मलऊन बच्ची की आवाज कैसे निकले? रस्सी ने गला बांधा हुआ है। खोलो बच्ची की आवाज निकले। फरमाया रस्सी खोली गई, बच्ची ने कलाम किया, मेरा नाम सकीना है। अब रिवायत बड़ी सख्त है। मलू ने कहा बच्ची क्या तुझे भूख लगी है? सकीना ने कहा 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, 3 दिन से कुछ भी नहीं पिया। यहाँ मनु ने इशारा किया, मेरे करीबा मैं तुझे खजूर दूंगा। इमाम फरमाते सकीना करीब गए। अब मनु ने वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इमाम सजाद फरमाते इसने हुक्म दिया तश्त बुलाया जाए। अरब तश्त में खजूरे रखते थे, तश्त पे कपड़ा था, इसने तश्त बच्ची को दिया। फरमाया जैसे बच्ची ने कपड़ा हटाया, क्या देखा? कटी हुई गर्दन है। एक मर्तबा गर्दन को सीने से लगाया, ओ मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे परदेसी बाबा, ओ मेरे प्यारे